नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोदले हैं, जिनका आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जोदले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोदले ने याचिका का आधार बनाया है। जोदले के मुताबिक मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया, साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई। याचिकाकर्ता जोदले ने कहा कि आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो दो जातियों या समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। उन्होंने बताया कि वे मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी, हालांकि आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।